तो आज मेरे किचन में बन रहा है बिल्कुल ही क्रीमी खोआ के जैसा सेवई। तो मैंने सोचा जब सेवई बन ही रही है तो क्यों ना आपके साथ मिलकर बनाया जाए। ये देखिए, ये मैंने दो वर्मीसिली लिया है, सेवई का पैकेट है, ये दो पैकेट मैंने ये लिया है और इसे हम बनाएंगे शुद्ध देसी घी में। इसके लिए मैंने ये 2 चम्मच घी लिया है। तो घी को हम पहले मेल्ट कर लेंगे और ये मैंने सेवई का पैकेट को दोनों को निकाल लिया है और साथ में मैंने ले लिया है 8-10 काजू। सेवई और काजू को हम दोनों को साथ में ही फ्राई कर लेंगे, अलग अलग फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, उतने ही घी में आपका दोनों चीज़ साथ में फ्राई हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है खाने को बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहिए, स्पेशली वो जिनके पास टाइम की बहुत कमी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साथ में ही डाल दिया है। काजू आप और भी कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने बस काजू ही डाला है इसमें। और इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे कंटिन्यू भूनने के बाद ये हमारा इस तरह का ब्राउन हो गया है। तो इधर मैंने 1.5 लीटर दूध मैंने चढ़ा दिया था फुल क्रीम वाला और ये हमारा गर्म हो चुका है। ये थोड़ा सा उबाल आएगा तो ये जो सेवई हमने फ्राई करके रखा है इसे हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इस दूध में इसे डाल दिया है। तो हम इसे पकने देंगे। अब ये देखिए, ये जब इस तरह से पूरा पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है ये। और यहाँ मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ आपको कि आप कम दूध में भी आपका खीर या सेवई, आप जो भी डेजर्ट बनाना चाहें, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगा। तो यहाँ मैंने स्वाद के अनुसार चीनी डाल दिया है। आप ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ मैंने 10 रुपीज़ वाला एक मिल्क पाउडर ले लिया है। इसे या तो आप अलग से घोल के आप डाल लीजिए या तो आप इसमें डायरेक्ट डाल के और कंटिन्यू चलाते रहें तो लम्स नहीं आएंगे और आपका खीर जो है या सेवई जो भी आप बना रहे हो वो काफ़ी क्रीमी बनेगा। तो ये देखिए ये उबल चुका है बहुत ही अच्छे से और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही क्रीमी और मावा के जैसा दिख रहा है। ये देखिए, तो आप मेरा सेवई तो हो चुका है रेडी। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए